आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमने एक, एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि एक ट्यूनिंग फोक और एक सोनोमीटर फाइव बीट्स पर सेकंड देते हैं जब साउंड एक साथ कराया गया उन्हें जब लेंथ ऑफ द वायर ऑफ सोनोमीटर वाज बोथ वन मीटर एंड वन मीटर जीरो मीटर ठीक है हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोक ठीक है तो अब इसमें हम पहली बात देखते हैं ये बीट हाँ का यूज़ कर रहा है ठीक है तो बीट का फॉर्मूला लिखते हैं क्या होता है अगर दो तो फ्रीक्वेंसीज़ एक साथ साउंड कराई गई और मैग्निट्यूड इज इक्वल टू एन एन, एन इज नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड ठीक है फिर हमें क्या पता है सोनोमीटर जो है सोनोमीटर इज वायर ठीक है। वायर अंडर टेंशन ठीक है ये भी अगर हम इसको प्लग करते हैं तो ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं हम उसका फॉर्मूला होता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ एल रूट ऑफ कैपिटल टी बाय न्यू ठीक है सब कुछ डिफाइन करते हैं टी इज टेंशन इन वायर ठीक है वायर में कितनी टेंशन है न्यू इज मास पर यूनिट लेंथ ठीक है एल इज लेंथ ऑफ वायर ठीक है और ये जो रूट वाली चीज है दैट इज नथिंग बट v v इज वेलोसिटी ऑफ वेव इन द सोनोमीटर वायर तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो न्यू नोट है दैट विल बी इक्वल टू v बाय 2 टाइम्स ऑफ l ठीक है ये आ गया हमारे पास सोनोमीटर वायर के लिए फॉर्मूला. ठीक है अब हम देखते हैं हमें क्या पता है कि अगर सपोज सपोज वी वी टेक फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोक बी एक्स और एक्स ठीक है तो इससे क्या होगा हम क्या देखते हैं कि अगर हम न्यू वन माइनस न्यू टू वाली चीज करेंगे ठीक है एट एल इज इक्वल टू वन मीटर तो पास हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास इक्वेशन आएगी न्यू नोट लिखते हैं पहले ठीक है तो वी अपॉन टू टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल है ना तो फाइव फिर अगर हम वन पॉइंट जीरो फाइव डालेंगे एल की वैल्यू तो क्या आएगी हमारी इक्वेशन इस बार हम एक्स बढ़ा लेंगे ठीक है तो एक्स माइनस वी बाय टू टाइम्स ऑफ एल टू ठीक है? दो इक्वेशन आ गई ठीक है फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू डालते हैं डालेंगे तो एक्स माइनस वी बाय टू पॉइंट वन इज इक्वल टू फाइव ठीक है ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन ठीक है हम क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते वन प्लस टू ठीक है इससे क्या होगा इससे हम देखते इससे हम x निकाल सकते हैं ठीक है कैसे निकालेंगे पहले उसके हम v निकाल लेंगे अगर हम 1 और 2 ऐड कर देंगे तो x और x कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास बचेगा v 2 v 2.1 5 5 व्हिच इज 10 ठीक है दूसरी साइड हम इस साइड एलसीएम लेते हैं एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2.1 2 v minus 2 v is, v upon .2 is equal to 10 which gives out v is इज to 420 meters per second is इसकी dimensions या यूनिट होंगे ठीक है हमारे पास v आ गया अब हम इस v को किसी भी क्वेश्चन में डालेंगे 1 या 2 में तो हमारे पास एक्स आ जाएगा ठीक है तो डाल के देखते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं वी की वैल्यू तो क्या आएगा हमारे पास पुटिंग से वैल्यू ऑफ वी इन वन तो हमारे पास क्या आएगा हम देखते हैं। हमारे पास था वी बाय टू मतलब फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू